किसको याद है 2020? क्रिकेट वाला नहीं, जिसके हम विश्व भी जीता है। साल 2020 जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने अहंकार मचा के रखा था, सब लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, सब लोग घर के अंदर बंद होकर रह गए थे। तब मैं तीसरी कक्षा में थी, सब कुछ थम गया था। हाँ, हमारी शिक्षा भी, स्कूल जो बंद थी, साल के अंत तक हमारी शिक्षा जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम आया। हम सब बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा जारी रख रहे थे। ये हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र की क्रांति है, जिसे हम डिजिटल क्रांति के रूप में जानते हैं। तो मैं अलेसिया लोकवंडे कक्षा 7वीं कक्षा की छात्रा, मेरे सब शिक्षकों को व मेरे दोस्तों को मेरा प्रणाम करते हुए आज मैं आपके सामने डिजिटल इंडिया की ओर इस विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे डिजिटल इंडिया का क्या होता है। डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग करके डेटा को उत्पन्न करना होता है। अभी देखिए ना क्या होता है। अगर हमें खातों में से पैसे निकालने हो या डालने के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ता, या तक कि हमें हम घर बैठे ही नया खाता भी खुलवा सकते हैं। सब काम घर बैठे हो सकता है, सब कुछ डिजिटल। अभी हमारा स्कूल का ही देखिए ना, सभी कॉम्पिटिशन की सूचनाएं व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध हो जाती है। हमें कॉम्पिटिशन यूट्यूब ग्रुप में भी देखने को मिल जाती है। सभी माता पिताओं को स्कूल संबंधित सूचनाएं घर बैठे ही मिल जाती है। लेकिन क्या ये सभी सुविधाएं आम आदमी के पहुंच में है? क्या ये कोरोना काल में सभी भारत के इलाकों में डिजिटल शिक्षा मिल पाती थी? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन मैं आशावादी हूँ कि सरकार इस पे विचार करेगी।